मिल गई, देखो एक और ऑफ बीट लोकेशन है ना, अल्टीमेट वाओ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि हमने जिमनी ले ली है और आज फर्स्ट राइड के लिए निकले हैं हम। जाना तो था पहले सीधा बद्रीनाथ धाम, लेकिन हमें लगा कि पहले थोड़ा सा आसपास घूम लिया जाए। तो देखिए यहाँ हम जा रहे हैं अभी देहरादून से, ये 35 किलोमीटर दिखा रहा है और 1 घंटा 13 मिनट का टाइम दिखा रहा है। जाना हमें मसूरी या धनौल्टी होते हुए ही आप जा सकते हैं। यहाँ पर जगह का नाम है सुआ खोली, बहुत सुंदर लोकेशन है, अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमें भी बस ऐसे ही एक बार हम उत्तरकाशी से वापस आ रहे थे तो हमने वो रूट ले लिया था, आना हमें दूसरे रूट से था, तब हमें पता चला कि अरे इतनी खूबसूरत लोकेशन भी है यहाँ पर। तो चलिए किस तरह की लोकेशन है और वहाँ पर रहने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हम देखने चलते हैं। तो गूगल लोकेशन हम फॉलो कर रहे हैं और ये हमें जेपी मेनोर आप देख रहे हैं उसी रास्ते से हमें लेकर जा रहा है सुआ खोली की तरफ। अभी ये यहाँ से 15 किलोमीटर हमें इस रास्ते पर जाना है। अभी तक हमारी राइड बहुत अच्छी चल रही है हमारी जिमनी के साथ और वेदर भी क्योंकि इतना ऑसम हो रहा है। मसूरी में तो हमेशा ही ऐसा मौसम मिलता है सीरियसली। और अभी हम लोग ये बारलोगंज का बैक एरिया आप कह सकते हैं, इसको बैक साइड है, लेकिन देखिए पूरा फॉग से ढका हुआ है ये। हम लोग जब चल रहे हैं ना तो रोड पर काफ़ी लोगों ने, मैंने नोटिस किया कि देख ऐसा होता है ना कि लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि देखो जिमनी जा रही है। एक्चुअली जब हम लोग भी पहले जब ली नहीं थी, हमें भी कोई दिखती थी ना तो हम सारे इवन बच्चे भी कहते देखो पापा जिमनी, देखो मम्मा जिमनी। तो एक क्रेज़ है अभी लोगों में और बहुत एक्साइटेड तो हैं ही सब लोग, हम भी एक्साइटेड हैं। चलिए थोड़ा जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी उनका रिव्यू ले लेते हैं। बताइए जी कैसा लग रहा है? पेट्रोल होने की वजह से तो चुस्ती है इसमें बहुत, पिकअप वगैरह तो बहुत अच्छा है ही, साथ में स्पेस कम लेती है और इस तरह के रास्तों पे तो ये बेस्ट है। एक चीज़ जो इसमें काफ़ी इरिटेटिंग है वो है इसकी पिछली सीट, उसमें इन्होंने सेंसर्स दे दिए सीट बेल्ट के। अब वो सीट बेल्ट के सेंसर्स तो दे दिए बट वेट के सेंसर नहीं दिए, जैसा अगली सीट में होते जब हम को ड्राइवर सीट पे कोई बैठता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि है या नहीं है, तो बजेगी वरना नहीं बजेगी। उसमें क्या है कि वो वेट वाले सेंसर नहीं है तो बस वो बजती रहती है, तो आपके पिछले सीट बेल्ट भी आपको लगानी पड़ेंगी और वो स्प्रिंग वाली हैं। अब उसमें इशू क्या है, अगर आप उसको हमेशा लगा के रखेंगे तो स्प्रिंग कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएंगी, फिर वो आपको चेंज करानी पड़ेंगी। तो वो इन्हें कम से कम या तो दोनों सेंसर देते या फिर एक भी नहीं देते। अच्छा, बलेरो को चलाने के बाद इसको चलाने में कैसा फील हो रहा है आपको? इसमें एसयूवी वाला फील तो पूरा ही, साथ में इसमें जो एक हल्कापन है, थका नहीं रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है तो काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही है और सिटिंग भी बेटर है। इवन अगर मैं थार की बात करूँ तो थार से 100 times बेटर है इसकी सिटिंग। और अब पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको नहीं देने वाला, पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर जाना पड़ेगा जहाँ मैं इसकी पूरी डिटेल एक एक चीज़ें आपको बताऊँगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी ईमानदारी के साथ।
देखिए बहुत अच्छी बात है जब आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ पैचेस आपको कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ क्लियर करते रहते हैं, तो आपकी जर्नी में कोई रुकावट नहीं। पहुंच गए हम सुआ खोली और सीरियसली जैसा मैंने सुना था ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये जगह। देखिए क्या पॉइंट मिला है हमें, है ना अल्टीमेट। मेरा मन कर रहा है मैं वहां चली जाऊं, और ये यहाँ पे अगर सोचो कैंपिंग की जाए क्या मजा आएगा। चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से रास्ता कहाँ तक ले जाता है हमें। मुझे ये लोकेशन देख के ना ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ कश्मीर वश्मीर में पहुंच गई हूँ, इतनी सुंदर लोकेशन है ये। हाँ वहाँ तक तो गाय पहुँची हुई है, हम भी पहुँच सकते हैं वैसे धीरे धीरे। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक विलेज है रेतु की बेली, जो एक्चुअली वहाँ पर ना रेतु की बेली के नाम से कम जानते हैं लोग उसको, पनीर गांव के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आपको अभी लास्ट अपनी वीडियो में दिखाया था, नाम था सेंजी विलेज, लेकिन लोग ज़्यादातर उसको कॉर्न विलेज बोलते हैं। सो सेम इसको भी पनीर गांव कहा जाता है, वैसे है रेतु की बेली, और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर घर में वहाँ पर पनीर बनाया जाता है। यहाँ पर आकर ना ऐसी ठंडक मिल रही है, एसी में भी क्या ठंडक मिलेगी आपको, और एसी की ठंडक लेनी भी क्यों है जब ओरिजिनल इतनी अच्छी है। कल मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी दिल्ली में, और वो बता रही थी कि वहाँ पर वेदर बहुत गर्मी वाला हो गया, वापस से गर्मी बढ़ गई है, जबकि कल देहरादून में फिर से बारिश हुई थी, और यहाँ मौसम इतना प्लेजेंट है। तो जैसे ही टाइम मिले, छुट्टी मिले, आ जाओ। बस थोड़ा ध्यान रखना है साफ सफाई का, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ इतनी सुंदर लोकेशंस को सुंदर ही रहने देना, गंदगी मत फैलाना। वाओ देखिए वहाँ दूर देखिए, पहले तो मुझे वहाँ बैठा हुआ डॉगी दिख रहा था, लेकिन नीचे से आते हुए एक लेडी भी दिख रही है, और ऊपर उसने सर पे पूरा घास रखी हुई है। ये देखिए ये है अल्टीमेट नेचर, यहाँ पर हमें माउंटेन्स मिल रहे हैं, फॉग मिल रही है, ग्रीनरी, और देखिए यहाँ साथ में गाय, वहाँ मुझे डॉगी भी दिख रहा है, और हम लोग तो हैं ही। तो ये है असली खूबसूरती नेचर में। मन कर रहा है बस इनको फॉग को ना अपने अंदर ले लें, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पे, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर क्या करें आपको और भी चीज़ें तो दिखानी है ना, चलना पड़ेगा। पहुंच गए हैं सुआ खोली, और यहाँ पर हमें कुछ हाई फ्लाई के नाम से कुछ यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज दिख रही हैं, रोप एक्टिविटीज। ये जगह एक्चुअली ऐसी है कि आप कहीं भी नजर घुमा लो आपको चारों तरफ ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम कुछ अकोमोडेशंस के ऑप्शंस देखने के लिए ऊपर की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे हमें अकोमोडेशंस तो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि किसी का भी ना नाम मुझे नहीं दिख रहा है, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ अभी बाहर से। तो चलिए अंदर चलकर कुछ पता करते हैं कि शायद हो सकता है नए बने हों इसलिए अभी नाम ना दिया हो, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं इन्होंने। तो सुआ खोली में ही ये थ्यूड जगह है, और देखिए दूर से देखने पे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, किस तरह के हैं क्या टैरिफ है वो पता करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें बेनाम दुनिया से हम नाम वाली दुनिया में आ गए हैं, यहाँ पर हाईलैंडर एडवेंचर के नाम से ये लिखा हुआ था, तो हमें लगा कि चलो यहीं पे पता कर लेते हैं। रूम्स एंड कॉटेजेस हैं इनके पास नीचे, यहाँ से लेकिन व्यू बहुत ऑसम है। बेसिकली वैसे तो व्यू सारी प्रॉपर्टी से अच्छा है, बट वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। यहाँ ये कह रहे हैं रूम्स और कॉटेज दोनों हैं इनके पास, लेकिन अभी ऑफ सीजन में ये हमें कॉटेजेस का रेट बता रहे हैं 8,000 रुपीज़। मुझे लगता है एक्सपेंसिव है, पर किस तरह की कॉटेज है वो देख लेते हैं। रूम अभी इन्होंने 1800 में बताया है, तो वो ठीक है। कुछ मुझे सामने भी यहाँ पर ये कुछ होमस्टे टाइप दिख रहा है, वैसे रूम्स आपको ना यहाँ पर बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे और बहुत महंगे भी मिल जाएंगे, तो वो आप जब आएंगे तो इजीली आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रश रहता है।
अभी भी मुझे कम ही टूरिस्ट दिख रहे हैं, वैसे खैर अभी ऑफ सीजन है, बट आप आएंगे तो मिल जाएगा। ये देखिए फॉग हमारे पास तक आ गई। हाँ हाँ, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही थी इसलिए मैं आ गई। अच्छा अच्छा, तो बताया था कि इनका यूट्यूब के चैनल उस नाम से। मैं पहचान गया था आपको देखते ही। अच्छा, हरियाणा से कुछ लोग मिले हैं और ये हमारा, जैसे ही मुझे मेरी आवाज़ सुनाई थी ना तो मुझे लगा कि हमारा वीडियो देख रहे हैं। पर ये पहचान गए थे पहले ही। वाओ, नाइस, मजा आ गया देख के। मुझे लग रहा था आपने रेट ज्यादा बताए हैं, बट उस हिसाब से अच्छा है, बनाया हुआ अच्छा है आपने। सो प्रॉपर इसमें टू रूम्स, टू बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, बालकनी एरिया, लिविंग एरिया, पूरा एक अपार्टमेंट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। टीवी रूम्स में भी है, एक तो कॉमन टीवी इन्होंने दिया हुआ है। ओह, और रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं, और जिस तरह से इंटीरियर इन्होंने दिया हुआ है ना, इट्स ब्यूटिफुल। ओह, बाथ टब भी है, वाओ। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप यहाँ आएंगे तो। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, यहाँ से बैठकर देखिए आपको व्यू भी मिलेगा, आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी, और अगर आप ग्रुप में आते हैं, फैमिलीज हैं, तो यहाँ पर बैठकर आप अपना पार्टी कर सकते हैं। रूम्स की अच्छी बात यह है कि सब इस तरफ के व्यू के साथ हैं, तो सारे रूम्स में आपको व्यू भी मिल जाता है, और रूम्स देखने से मुझे अच्छे लग रहे हैं, नीट एंड क्लीन। एक रूम हम आपको अंदर से दिखाते हैं विद अटैच वॉशरूम, स्पेशियस है, सिटिंग दी हुई है, विंडो है, व्यू भी आपको मिलेगा। भैया वाईफाई है यहाँ पे? वाईफाई भी है। सो बेसिकली अगर आप इस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, लॉन्ग स्टे के लिए आना चाहते हैं, तो 1800 में अभी इन्होंने ये रूम बताया है हमें। अगर लंबे टाइम के लिए लेंगे तो आई एम श्योर कुछ और डिस्काउंट हो जाएगा। और मुझे लग रहा था ये जस्ट सोफा दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये पूरा सोफा कम बेड है, तो तीन लोग आराम से रह सकते हैं इसमें। जो एडवेंचर पार्क हमने दिखाया था वो भी इन्हीं का है, मैं रेट लिस्ट ले आई हूँ यहाँ पर। कुछ पैकेजेस भी दिए हुए हैं इन्होंने, 5000, 1500, 2000, 6000, और कुछ इंडिविजुअल भी हैं। तो वैसे तो जो स्टार्टिंग रेंज है वो 300-500 से भी स्टार्ट है, बट पैकेज लेंगे तो उसमें आपको हमेशा फ़ायदा मिलता है। तो थोड़ी जान पहचान जब निकालते हैं तो पता चल जाता है कि भैया हमारा चैनल देखते हैं पहले से, और इसीलिए हमने डिस्काउंट मांग लिया है कि हमारे व्यूअर्स आएंगे तो उनको ये जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरेंस देंगे ओटी एक्सपर्ट का। करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ट्रैक्स भी दिख रहे हैं। अब हम चल रही हैं वापस, लेकिन मौसम कह रहा है कि बस जाओ मत कहीं, यहीं रुक जाओ, और ज़्यादा फॉग हो गई है। हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया जहाँ पर वेदर भी अच्छा है, और मैगी पॉइंट, तो हम मैगी खाकर चलेंगे यहाँ से। लेकिन ये लोकेशन के बारे में बताती हूँ, ये एक जो रोड जा रहा है नीचे की तरफ, ये मेन मसूरी रोड है, और ये जो दूसरा टर्न है ये बार्लोगंज वाला है। बेसिकली ज़्यादातर कई बार गूगल अगर आप करेंगे ना तो ये वाला आपको रूट दिखाई देगा, लेकिन बहुत नैरो है, अवॉइड करें, क्योंकि कई बार यहाँ पर बहुत लंबा जाम लग जाता है। बेसिकली ये वन वे ही है, तो ये वाला रूट ठीक है, हम भी इसी से जाएंगे अभी। देखिए आज आपको कितना अच्छा हमने ऑप्शन दे दिया है, घूमने का भी, रहने का भी, और खाने के ऑप्शन तो आपको मिल ही जाते हैं। तो हम आप कमेंट करके बताएं आपको ये ऑप्शन कैसा लगा, और हम इसी तरह से आपको घुमाते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। वर्ल्ड ऑफ व्हील भी और ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट भी, इसी तरह से ट्रैवल करते रहें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।